तेरा नाम है मोहब्बत। शादी कहाँ कर रही है? मुझे क्या पता, तुम बुढ़ी अम्मा से क्यों नहीं पूछ रही थी? आप ही पूछ लो ना। नहीं, मुझे शर्म आती है और पता नहीं अम्मा आगे से क्या जवाब दे। डांटती भी तो है ना। चलो मैं ही पूछ लूंगी। वैसे आप आपकी शादी में बड़ा मजा आएगा। क्यों? ठीक है, आप दुल्हन बनेंगी, शरारे का सूट पहनेंगी, गरारे का सूट पहनेंगी और भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? से बाहर भी थाने में पुलिस वालों ने बादशाह जैसा शुरू किया अपने साथ। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं यार दाखिल। हाँ बोल। इतनी जल्दी और तुमने ये जमानत का चक्कर कैसे चलाया बाप? अरे अपने शाहजी को पता लग गया था, बस सीधा थाने चले आए और जमानत हो गई। यार ये शाहजी तो बड़ा सियासी आदमी है और बड़ा खड़बैंस भी है, तुम्हें कहाँ मिला तो इस साढ़ नौ में दस ना। अरे यार अपने किस किस से ताल्लुकात नहीं है। ये बात है यार, ये शाहजी तो बहुत बड़ा आदमी है यार और बड़ा सियासी टाइप का है, लेकिन ये मुलाकात क्या, ये किस्सा क्या, कुछ मुझे बता यार। अबे मेरे बड़े बड़े से ताल्लुकात हैं, कभी वो मेरे काम करता है कभी मैं उसके काम करता हूँ, इसको धंधा भी तो चलाना है ना। ये बात है। अबे बात सुन, काम कर। बोल जान। यार ये बता, ये मेरे खिलाफ लिखवाई थी? अबे पुलिस वालों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ अगवा भरा तावान का और पता नहीं लड़कियां छेड़ने का और कैसे कैसे मुझे मुकदमे थे। अबे ये कौन सा मुश्किल काम है, चल अभी कर लेते इसका काम तो। अबे नहीं नहीं, अभी मामला बहुत गरम गरम है, अभी तो रिहाई मिली है, ऐसे में कभी कुछ ऐसा काम ना करना, बाद में देखेंगे। क्यों परेशान हो? अरे बताओ, देखो
मेरा तो दिल खोल खा रहा है तुम्हें देख के। अरे दी, क्या हुआ? तो कंबख्त दोनों मुंडे सुबह सुबह खाने से रहा हो गए। अल्लाह, अरे फले, ये क्या खबर सुना दी तो? अरे जाके पानी ला के देना मुझे, मेरा हरा कुछ हो जा रहा है। काम लेने के लिए निकली थी घर से, रास्ते वो मिल गया हैदर, उसने मुझे बताया वो कमबख्त रिहा हो गए। इस मरतबा तो मैं उनका कोई मुस्तकिल हल तलाश करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बेटिया तुम जरा अंदर जाओ। के रिश्ते के सिलसिले में, मगर खैर अब ये तो मुनासिब वक्त नहीं है इस बात के लिए। नहीं नहीं बताओ कौन लड़का है? लड़का तो नहीं है, मर्द है। मर्द है? क्या उम्र है? मुनासिब ही है। बीस पच्चीस तो होगी? नहीं कुछ ज्यादा है। बीस पैंतीस? बस इससे जरा कुछ ज्यादा। चालीस? वो ये समझ लो कि वो चालीस और पैतालीस के दरमियान है, मगर देखने में बिल्कुल वो 40-45 का नहीं लगता, 35 साल का ही नजर आता है। उससे भी बड़ा हुआ, उसको कैसे अपना दामाद बना सकती हूँ? मेरी बच्ची तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई, दो दिन बाद 18 साल की हुई। अजीब सा लग रहा है मुझे तो, जोड़ी नहीं। देखो रजिया, रिश्ता माकूल भी है और बरसरे रोजगार भी। वैसे मेरे पास और भी रिश्ते मौजूद हैं, मगर वो लड़के बरसरे रोजगार भी नहीं है और उनमें माकूलियत नाम की भी कोई चीज नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि वो है कौन? तुम जानती तो हो, वही वो अपने पेशकार रफीक भाई।